मैं अभी देख रहा हूँ किस तरीके से मुनव्वर फारूकी को लेकर ऐसी झूठी खबरें टीवी पर चल रही हैं, झूठी अफवाहें फैल गई हैं मीडिया में कि मुनव्वर फारूकी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, अरेस्ट कर लिया, कस्टडी में ले लिया। ऐसा कुछ भी नहीं है। मुनव्वर को ना तो पुलिस ने पकड़ा है ना ही हिरासत में लिया है। जस्ट थोड़ी सी नॉर्मल पूछताछ हुई थी, क्योंकि जो हुक्का बार में जिस वक्त वो थे वहां पर, वहां रेड पड़ी पुलिस की, और वो जो हुक्का बार था वो इलीगल तरीके से चलाया जा रहा था। देखिए, इसमें सीधा सीधा ऑनर के खिलाफ केस रजिस्टर होता है, ना कि वहां पर जो लोग मौजूद थे वहां उनके खिलाफ। मुनव्वर फारूकी कोई ड्रग्स नहीं लेते हैं, मुनव्वर कोई ड्रिंक नहीं करता है, कोई भी वो कुछ भी गांजा कुछ फूकता नहीं है भाई। वो बहुत ही क्लीन इंसान है, मतलब इस केस में और इस मामले में बहुत क्लीन है कि ही डजंट ड्रिंक, ही डजंट स्मोक, ही डजंट डू ड्रग्स एंड ऑल। तो डेफिनेटली ही इज वेरी इनोसेंट इन दिस थिंग। सो उसका नाम बस इसीलिए ड्रैग कर लिया गया क्योंकि भाई सबको ब्रेकिंग न्यूज चाहिए, सबको चाहिए कि भाई टीआरपी आ जाए। मुनव्वर का नाम लेंगे इस केस में तो भाई टीआरपी आ जाएगी बहुत ज्यादा, इससे छप्पड़ फार के टीआरपी आ जाएगी बहुत ज्यादा। और इसीलिए मुनव्वर फारूकी का नाम ले लेते हैं, क्योंकि पता है हमें मुनव्वर का जैसे ही नाम आएगा वैसे ही जो है वो खबर एकदम हिट हो जाएगी हमारी, ब्रेकिंग न्यूज एकदम मैसिव रिकॉर्ड्स ब्रेक कर देगी। तो इसीलिए बस मुनव्वर का इसमें नाम ले लिया गया। मुनव्वर के अलावा जितने भी लोग थे सबसे पुलिस ने पूछताछ की है अबाउट दैट बार। और फिलहाल आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मुनव्वर फारूकी अपने काम के पर्पज से, अपने वर्क के पर्पज पे वो निकल चुके हैं भाई मुंबई एयरपोर्ट से बाहर। तो वो कोई डिटेन नहीं किए गए पुलिस की तरफ से, कोई केस उनके खिलाफ रजिस्टर नहीं हुआ है। उनके खिलाफ झूठी खबरें फैलाना बंद कर दीजिए, और अगर आप कहीं देख रहे हैं तो उसको तुरंत जो है वो रिपोर्ट कर दीजिए ऐसी झूठी खबरों को। इस वीडियो को लेकर क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।